सड़क पानी, ये तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि बिजली सड़क पानी से ही दिग्विजय सिंह की सरकार भी चली गई थी, जो कि पुनः लौट के नहीं आ पाई और अब दोबारा लौट के कांग्रेस की आ भी नहीं पाएगी। जैसे अभी आप बोले उससे पहले मैं बोल देता हूँ, आप जरूर NH-39 को लेकर मुझसे सवाल। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल कोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और संभवतः जो है अक्टूबर में जो है आचार संहिता लग जाएगा और जनवरी में जो है चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो और भी तमाम पार्टियां हैं, जिनके जो मेन लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनकी दावेदारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में हम जुड़ेंगे भूपेंद्र सिंह गर्ग, जो बंटी बोला जाता है इनको, और अभी वर्तमान में जो है मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से, मोरवा से। आइए इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि जानने का भी प्रयास करेंगे कि जो इनकी दावेदारी है टिकट को लेकर, विधायकी का चुनाव होना है विधानसभा 80 में, उसको लेकर इनकी तैयारियां जोर शोर से हैं और कई बार ये दिल्ली भी जा चुके हैं और भोपाल भी जा चुके हैं। और ये भी बात करेंगे कि जो यहाँ पर अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, विस्थापन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनको लेकर इनका क्या योगदान रहेगा अगर टिकट मिलता है तो। आइए सीधे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। अभी बीजेपी का विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? जैसे भी आपको मालूम है कि चुनावी बिगुल बज चुका है और संभवतः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक दावेदारी वाली बात आप बता रहे हैं, मेरी ऐसी कोई दावेदारी नहीं है कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर पार्टी मौका देती है, अगर पार्टी युवा चेहरे को आगे प्राथमिकता देते हुए अगर मौका देती है, तो निश्चित रूप से है कि हम भी 2003 से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी जब पहली बार महापौर बने थे, उस समय से मैं राजनीति में उनके साथ सक्रिय हुआ था और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। उनके साथ चलते हुए आज मुझे करीब 20 साल हो गए राजनीति का अनुभव होते हुए, और इस दौरान हमने कई बार गैर राजनीतिक मंच के द्वारा भी हमने कई आवाज़ें उठाई, चाहे रेल का मामला रहा हो, चाहे सड़क का मामला रहा हो, या अन्य और भी कई मामले रहे हों, हमने सिंगरौली विकास मंच के माध्यम से रहा हो या अपना सिंगरौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, हम लोगों ने समय समय पर यहाँ की समस्याओं को लेकर के हमेशा मामला उठाया है। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है तो आपका पहला प्रयास क्या रहेगा? अगर मान लीजिए आप जैसे कहते हैं, मान ही सकते हैं इसमें हम, अगर ऐसा संभव होगा तो हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, आम मानस को सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी, ये तीन चीज़ सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि बिजली, सड़क, पानी से ही दिग्विजय सिंह की सरकार भी चली गई थी, जो कि पुनः लौट के नहीं आ पाई और अब दोबारा लौट के कांग्रेस की आ भी नहीं पाएगी। तो हमें बिजली, सड़क और पानी के ऊपर हमारी सरकार पहले भी ध्यान देती हुई आ रही है, भाजपा सरकार, और इसे हमें और मजबूत करने में जो भी प्रयास करने होंगे मैं अवश्य प्रयास करूँगा। चाहे सड़क का मामला है, जैसे अभी आप बोले उससे पहले मैं बोल देता हूँ, आप जरूर NH-39 को लेकर मुझसे सवाल करेंगे। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि NH-39 में देरी हुई है, देरी हो भी रही है, क्योंकि ये ठेकेदार के ऊपर मामला है। ये जब भी कोई एजेंसी है वो ठेके की पद्धति से ठेका निकालती है और उस ठेके में जो L1 होता है बीडर, उसे काम दिया जाता है। अब उसका भी एक समय निर्धारण होता है कि आपको ये काम हमें 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर फलना डेट तक कंप्लीट करके देना है। उस नियम से बंधे होने के कारण सामने हम लोग जैसे जो एजेंसी है, MPRDC है या NHAI है, वो उस ठेकेदार पर इतना दबाव नहीं बना पाती कि हमें कल काम करके दो। वो यही बोलेगा कि मेरा अभी समय सीमा बचा हुआ काम करने का, मैं समय सीमा में करूंगा, और नहीं कर पाऊंगा समय सीमा में तो फिर LD क्लॉसेस के नियम आते हैं जिनके ऊपर LD क्लॉस लगाया जाता है। लेकिन बहरहाल ये बात हुई टेक्निकल बात, लेकिन उसकी कमी के कारण आज अगर झेलना पड़ रहा है तो पब्लिक को अवश्य इस रोड के लिए झेलना पड़ रहा है। और भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारी सरकार के द्वारा अगर इस रोड को छोड़ दिया जाए, ये जो NHAI 39 को छोड़ दिया जाए, तो आसपास के जितने भी रोड हैं वो सब इतने अच्छे बना दिए गए हैं कि लोग उन्हीं को आज प्रेफर कर रहे हैं। जैसे आपको देवसर तक जाना है तो चितरंगी होकर निकल जाते हैं, या इधर रीवा वगैरह जाना है तो कोई व्यवहारी होकर चला जाता है, भोपाल जाना है तो ऐसे अन्य मतलब जितने भी स्टेट हाईवेज हैं हमारे एक नंबर पे हैं आज के समय में। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिलता है तो जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? जो युवा बेरोजगार हैं, स्थानीय स्तर पर जो नौकरियां निकलती हैं उसके लिए हम पहले भी कटिबद्ध हैं और अभी हम भी कटिबद्ध रहेंगे इसमें,
कि हमारी स्थानीय युवा रोजगार जो बेरोजगार लड़के हैं, मतलब कि जिनके पास यहाँ स्थानीय कोई दस्तावेज होगा, चाहे वह वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, उनको प्राथमिकता के तौर पे यहाँ की कंपनियों में काम दिलवाया जाएगा, जिसकी जिस प्रकार की जो उसका अपना एक्सपीरियंस होगा उस लड़के का, वो काम उसको दिलवाने का काम हम लोग के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे थे, अगर फिर से आपको बता दें, कांग्रेस की जो सरकार है बिजली पानी सड़क को लेकर चली गई है, और जैसा कि आपको बता दें इनका कहना है कि अब नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है सड़क को लेकर। अब बहरहाल आप देखते रहिए क्या होता है, सड़क कब तक बनकर तैयार होता है, चुनाव नज़दीक है, बिगुल बज चुके हैं और जनवरी में जो है चुनाव होना है। बहरहाल आप बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ, धन्यवाद।